हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भुगड़ा एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का SST का मिड टर्म का पेपर लाए हैं, जो कि CBSE के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बना हुआ है। नाउ द जनरल इंस्ट्रक्शंस। फ्रेंड्स, इसमें 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। टाइम एलोटेड इज 3 आवर्स। टोटल 35 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 MCQ है, 1 मार्क्स ईच। 8 क्वेश्चन 3 मार्क्स के एंड क्वेश्चन नंबर 29 to 34 5 मार्क्स के हैं। नाउ सेक्शन ए विच इज MCQ बेस्ड। क्वेश्चन 1 इज ओल्डेस्ट जैपनीज बुक। क्वेश्चन 2 एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश इन 1919। क्वेश्चन नंबर 3 ईयर इन विच ट्रीटी ऑफ वियना साइंड। क्वेश्चन नंबर 4 हेड ऑफ इटालियन सोसाइटी कार्बोनेरी यूनियन जैक इज द फ्लैग ऑफ हु रोट 95 थीसिस बेसिस यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू मेजर डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। तो ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, जिनका आपका आंसर इन चारों में से कोई एक टिक करना है। सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन MCQ। ऑर्गेनाइजेशन दैट पब्लिश्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन इंडिया। सिक्योरिटी कैप्ड बाय लेंडर इज कॉल्ड एज। ये आपके पास MCQ क्वेश्चन है, जिसमें ABCD 4 choices अवेलेबल हैं और आपको कोई एक इसका करेक्ट आंसर लिखना है। सब्जेक्ट्स ऑन विच पार्लियामेंट मेक लॉ आर इन। कैपिटल ऑफ बेल्जियम, इसमें आपको सही आंसर फिल करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 All known living things are known as. Now question number 1 to 20 are MCQ questions. तो जिसमें आपको ABCD 4 choices available हैं. Now section B, which is from question number 21 to 28, which is 3 marks each. Question number 22, analyze that there are no nation states in mind 18th century Europe. क्वेश्चन नंबर 25, हाउ आर वुमेन एक्सप्लॉइटेड इन इंडिया स्टेट एनी 3 पॉइंट्स। इनके आंसर आपको पूरा पॉइंट्स वाइज लिखने हैं और उसके बाद आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में चॉइस अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 29 विच इज ऑफ सेक्शन सी एंड 5 मार्क्स, उसमें भी आपके पास चॉइस अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 31 एग्जामिन एनी 5 बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 32 स्टेट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34, क्वेश्चन नंबर 33 भी 5 मार्क्स का है, विच इज चॉइस अवेलेबल। 34 5 मार्क्स का है। नाउ वी मूव टू सेक्शन डी विच इज ऑन मैप बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपके पास ज्योग्राफी और हिस्ट्री के मैप अवेलेबल होंगे, जिसमें आपको पॉइंट मार्क करने होंगे विच आर गिवन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आप इसी तरह की कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर वीडियो पर क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।